नमस्कार, स्वागत है आपको जनसत्ता में। मैं कृष्णा शुक्ला लेकर आई हूं आपके लिए कारोबार जगत की बड़ी खबरें। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मुद्रास्फीति की स्थिति से निपटने के रिजर्व बैंक के तरीके का बचाव किया है। दास ने बुधवार को यहां बैंकरों के वार्षिक FIBAC सम्मेलन में कहा कि समय से पहले सख्त कदम उठाने से अर्थव्यवस्था और नागरिकों को भारी कीमत चुकानी पड़ती। ये स्वीकार करते हुए कि मुद्रास्फीति का लक्ष्य चूक गया है, दास ने कहा कि आरबीआई ने महंगाई दर में वृद्धि के कारण ब्याज दरों में आक्रामक रूप से वृद्धि नहीं करके अर्थव्यवस्था का समर्थन करने का फैसला किया। उन्होंने कहा, हमने ब्याज दरों को आक्रामक रूप नहीं बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से प्रभावित होने से रोका और समय से पहले सख्त कदम उठाने से दूर रहे। दास ने कहा कि जल्दी सख्त या आक्रामक रूप अपनाने से अर्थव्यवस्था और लोगों को भारी कीमत चुकानी पड़ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि नया भारत बड़े सुधारों, व्यापक बुनियादी ढांचे और सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वैश्विक निवेशक सम्मेलन यानी कि GIM इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 के उद्घाटन समारोह में कहा कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के इस दौर में पूरी दुनिया का भरोसा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है। उन्होंने कहा, भारत वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद तेजी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य और केंद्र दोनों में एक ही पार्टी की सरकार के साथ कर्नाटक के पास डबल इंजन सरकार की शक्ति है। उन्होंने कहा, जब भी प्रतिभा और प्रौद्योगिकी की बात आती है तो दिमाग में जो नाम सबसे पहले आता है वो है ब्रांड बैंगलोर। अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क अब ट्विटर के मालिक हो चुके हैं। वो ट्विटर बोर्ड के इकलौते डायरेक्टर हैं और अब उन्होंने खुद को कंपनी का CEO भी नियुक्त कर लिया है। ज्यादातर लोग जानते हैं कि एलन मस्क टेस्ला यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने वाली कंपनी और SpaceX रॉकेट और अंतरिक्ष यान बनाने वाली कंपनी के मालिक हैं, लेकिन एलन मस्क इन कंपनियों के अलावा 3 और कंपनियां चलाते हैं। वो खुद 4 कंपनियों के CEO हैं और बाकी कंपनियों के सह संस्थापक हैं। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।